हेलो बच्चों, मैं एसपी सर अपने अगली वीडियो के साथ क्लास थर्ड अनाया हिंदी की बुक आप लोग निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 3 को हम पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है तपस्वी की सीख। तपस्वी जो मुनि महात्मा होते हैं, तप करते हैं, उन्हें तपस्वी कहते हैं। उसकी सीख है यानी शिक्षा है। अब किस प्रकार से शिक्षा देता है, इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे। कहानी पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए बच्चों। एक राजा था, उसका एक लड़का था, वह बड़ा दुष्ट था। यानी एक राजा था, उसका एक लड़का था जो बहुत ही दुष्ट था। वह प्रजा को बहुत तंग किया करता था। यानी राजा का लड़का प्रजा को, यानी राजा की जो प्रजा थी उनको बहुत ही परेशान किया करता था। एक बार राजा अपने महल के झरोखे में बैठा था। एक समय की बात है, राजा अपने महल के झरोखे, मतलब एक प्रकार की खिड़की हुआ करती है महल में, तो उसी में बैठ रहे थे। उसने एक तपस्वी को देखा। राजा ने उसे बुलवाया, आदर से बिठाया और भोजन भी करवाया। तो राजा साहब ने उस तपस्वी को बुलाए और अपने दरबार में भोजन कराए और आदर सम्मान पूर्वक उनको बैठाया भी और उनसे बातें की। क्या बातें की? राजा ने तपस्वी से पूछा, क्या पूछा? आप कहाँ से आ रहे हैं? राजा ने तपस्वी से पूछा, बेटा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? उसने सब हाल बता दिया। राजा ने उसके लिए अपने बाग में एक कुटिया बनवा दी। तो राजा साहब ने तपस्वी जी को रहने के लिए अपने ही बाग में, बगीचे में एक कुटिया बनवा दी, जहाँ पे तपस्वी के रहने की व्यवस्था कर दी। तपस्वी वहाँ रहने लगा। कुछ दिन रहने के बाद वह वहाँ से जाने लगा। यानी तपस्वी राजा के बगिया वाली कुटिया में कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से जाना चाहा। जब जाना चाहा तब क्या हुआ, जाने लगा तो राजा ने कहा आप यहीं रहें। राजा ने उसे आग्रह किया, निवेदन किया हाथ जोड़ करके कि हे तपस्वी महाराज, आप यहीं पर रहिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तपस्वी वहीं रहने लगा। ये बात सुनकर के, ये राजा का निवेदन सुनकर के तपस्वी वहीं पर रहने लगे। राजा प्रतिदिन तपस्वी की सेवा करने जाता। यानी राजा हर रोज़ तपस्वी की सेवा किया करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन तपस्वी को राजकुमार अगले पेज में देखते हैं कि दुष्टता की बात बताई। तपस्वी ने राजा से उनके बेटे राजकुमार की क्या दुष्टता थी वो बताते हैं और उसे ठीक करने को कहा और राजा से आग्रह किए कि कैसे ठीक किया जाए, उसको करिए। तपस्वी ने कहा अच्छी बात है। तपस्वी ने कहा ठीक है, अगर आप हमसे ये निवेदन करते हैं कि मेरा पुत्र राजकुमार जो है कैसे ठीक हो जाए, दुष्टता न करे, तो हम इसके बारे में सोचते हैं। इसके बाद वह घर जाकर राजा ने राजकुमार को तपस्वी के पास भेज दिया। तो राजा घर गए यानी महल गए अपने और अपने पुत्र राजकुमार को तपस्वी के पास कुटिया में भेज दिए। राजकुमार तपस्वी के साथ रहने लगा और राजकुमार तपस्वी के साथ उसी कुटिया में साथ साथ रहने लगा। यहाँ देखिए बच्चों, ये राजकुमार है, ये राजकुमार हैं और ये तपस्वी।
तो एक बार तपस्वी ने एक नीम का पौधा देखा। एक समय की बात है, तपस्वी मुनि ने एक नीम का पौधा, नीम का पौधा आप लोग जानते होंगे जो हर घर पाया जाता है, उसमें कुल दो पत्ते थे, यानी अभी छोटा सा बीज से निकला था और दो ही पत्ते लगे हुए थे। तपस्वी ने राजकुमार से उस पेड़ के पत्ते चखने को कहा। तपस्वी ने कहा, बेटा राजकुमार तुम चले जाओ और उस नीम के पत्ते को चखो, देखो कैसा है। राजकुमार ने चख कर थू थू करके थूक दिया और कहा, यह तो छोटा होने पर भी जहर के समान है, पता नहीं बड़ा होने पर कैसा होगा। राजकुमार ने कहा, अरे मुनि जी ये छोटा है फिर भी ये इतना कड़वा है, इतना जहरीला है और मैं इसे नहीं चबा सका, और पता नहीं ये बड़ा होगा तो ये कैसा होगा, ये भगवान जाने। फिर क्या होता है, जब ऐसा कहता है तपस्वी से तो यह सुनकर यह कहकर राजकुमार ने उस पौधे को मसल डाला। इतना कहा तपस्वी से और पौधे को उखाड़ा और मसल दिया, यानी तोड़ मरोड़ दिया, कुचल दिया। फिर क्या होता है, तपस्वी ने क्या कहा, यह कड़वा है इसे तुमने मसल डाला, यह कड़वा है इसे तुमने क्या किया, मसल डाला। अगर इसी तरह तुम भी कड़वे बने रहोगे तो इसी प्रकार मसल डाले जाओगे। मुनि जी ने कहा कि बेटा राजकुमार, अगर तुम इसी प्रकार दुष्टता करते रहे, लोगों की निगाह में कड़वे बने रहे, अपनी प्रजा के निगाह में अच्छे बच्चे नहीं रहे, अच्छे राजकुमार नहीं बने रहे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हें कोई इसी प्रकार पौधे की तरह तुम्हें भी मसल डालेगा। इस बात का राजकुमार पर बहुत असर पड़ा, वह धीरे धीरे भला बन गया। और यह बात सुनकर कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, यह सोचकर राजकुमार की बुद्धि की आंखें खुल गई और वह धीरे धीरे अपने आप को सुधारने का प्रयास करने लगा और सुधर भी गया। तो ये बच्चों थी तपस्वी की सीख। इसका यहाँ पे शब्दार्थ है, आप लोग शब्दार्थ लिख करके याद कर लेंगे। इसके नीचे अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न जो भी रहेगा हम उसको क्वेश्चन आंसर, ये सब क्वेश्चन आंसर है, लिख करके आपको ईमेल सेंड कर देंगे फेयर कॉपी में, लेसन थर्ड नाम डाल करके अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा और शब्दार्थ भी लिखा होना चाहिए और याद भी किए रहिएगा, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा हम इसको अवश्य पूछेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।